फिर एक बार नई वीडियो में स्ट्रॉन्ग फिटनेस चैनल की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रनिंग करने से क्या होता है शरीर में, यानी कि रनिंग करने से शरीर के क्या फ़ायदा मिलता है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस बारे में कि रनिंग करने से क्या होता है। दोस्तों रनिंग करने से हमारा जो बॉडी है वो अपर से लेकर लोअर बॉडी तक हमारा एक्सरसाइज हो जाता है रनिंग करने से, यानी कि यहाँ से हमारे पैरों से लेकर एकदम सर तक एक्सरसाइज होता है, हर एक मसल और हर एक पार्ट से एक्सरसाइज हो जाता है। चलिए देखते हैं पहले फ़ायदा क्या होता है। पहले फ़ायदा है इंक्रीज स्टेमिना। स्टेमिना मतलब है शरीर की जो फिटनेस है, शरीर में जो फुर्तीला भाव है वो ज़्यादा बढ़ जाए। अगर रनिंग को आप कोई एक्सरसाइज या काम के पहले करते हो तो ये आपकी वार्म अप के काम में भी आ सकता है। देखते हैं दूसरे क्या है। दूसरे फायदे है जब रनिंग करते हो तो आपकी, हमने पहले बताया, आपके पैरों से लेकर सिर तक जो मसल्स है वो ट्रेन हो जाता है, इसलिए आपकी कोई वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हर दिन में कम से कम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा रनिंग करते हो। देखते हैं फायदे तीन नंबर में क्या है। तीन नंबर फायदे में है हमारी जो हाइट है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर आप हाइट इंक्रीज करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पहले सलाह देगी कि हाइट इंक्रीज करने के लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया तीसरे। अब देखते हैं चौथे नंबर पे क्या है। तो चौथे नंबर पे है हमारी रनिंग करने से आपकी जो शरीर का जो पार्ट्स होते हैं, हमने पहले बताया कि पार्ट्स बहुत काम करता है शरीर में रनिंग के लिए, तो वो है हड्डी हमारी शरीर की और पाचन तंत्र, हार्ट, ब्रेन, इस सब के लिए भी रनिंग काम करता है। यानी कि रनिंग करने से ये सब ठीक ठाक रहती है, इसकी काम ठीक ठाक होती है और ये ज़्यादातर हमारा जो हार्ट है वो ठीक ठाक रहती है। तो चलिए दोस्तों अगर आप रनिंग नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते तो आज से ही आपकी कम से कम आधा घंटा रनिंग करना चाहिए हर दिन। ये आधा घंटा रनिंग करने से ही आपको ये जो फायदे हम बताइए मिलने लग जाएगा। तो आप कम से कम कुछ ना करो तो करो तो कम से कम आधा घंटा रनिंग करना चाहिए आपको हर दिन, इससे आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे, आप फिट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बता देते हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।